हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूं आपका उन्नति इंडियन मॉम पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण कब पड़ने वाला है, सूतक कब से लगेंगे, क्या क्या उसमें हमें करना चाहिए, कौन से जगह पे पड़ रहा है, और हमें जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इस बारे में आपको पूरी डिटेल में इस बारे में वीडियो में मिलेगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है, अभी सूर्य ग्रहण कुछ टाइम पहले निकला ही था, 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण था। उसके बाद ही पता लगा है सबको कि 5 मई को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। और अगर चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं यहाँ जगह का नाम भी बताऊँगी कहाँ कहाँ पड़ेगा। आप किसी भी जगह पे रहते हैं, सबसे पहले आपको कभी भी चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में चाकू, कैंची, धार वाली चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ना ही उस दौरान आपको कुछ खाना पीना है, ना ही आपको उस टाइम पूजा पाठ करनी है। आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि आपके बच्चे को दिक्कत हो। सूर्य का जो ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये लग रहा है 2023 में 5 मई को। तो आपको आज से ही अपने ध्यान रखना है कि आपको 5 मई को लगने वाला ग्रहण बहुत ही ज़्यादा भारी ग्रहण बता रहे हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आपको ग्रहण में ना पूजा करनी है, ना खाना बनाना है, ना ही कुछ करना है। अगर आपके घर में कोई भी सामान रखा है, दूध रखा है, कुछ भी, तो उसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिएगा, उसमें डाल दीजिएगा। इससे जो भी चीज़ होगी वो आपकी ख़राब नहीं होगी। फ्रेंड, सूर्य ग्रहण के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है? फ्रेंड्स, आपको गेरू लेना है। गेरू पेट पे भी लगा सकते हैं जिससे कि बच्चे पर प्रभाव कम पड़े। कभी भी सूर्य ग्रहण पड़े चाहे चंद्र ग्रहण पड़े, कभी भी अगर आप ग्रहण पड़ता है तो आपको अपने पेट पे वो जरूर लगाना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो जरूर लगाएं, गेरू आता है उसको जरूर लगा लें। इससे क्या होगा, आपके बेबी पर प्रभाव बहुत कम पड़ेगा, हालांकि पड़ता नहीं है इससे। और एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप भी घर में अकेले में हैं तो कोई नहीं है तो आपको ऐसे में सोना भी नहीं है। आपके घर में कोई हो या ना हो, ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी नहीं सोना है। और फ्रेंड्स, अब ये बात करेंगे कब और किस टाइम पे पड़ने वाला है। फ्रेंड्स, ये ग्रहण ऐसे में आपको बाहर भी बिल्कुल नहीं जाना है, ना ही आपको बाहर आसमान में देखना है, आपको अपने रूम के अंदर ही रहना है। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, आर्कटिका, प्रशांत आर्कटिका और हिंद महासागर पर इस चंद्र ग्रहण का पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर। चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है 5 मई रात को 8:46 से चंद्र ग्रहण का आरंभ शुरू हो जाएगा। रात के 1 बजे तक रहेगा। छाया काल चंद्र ग्रहण होने के कारण सूतक काल मान्य नहीं है। अब फ्रेंड बात करेंगे कौन से जगह पर ये पड़ रहा है।